हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें हम मॉड्यूल 3 को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमारा फोकस है एडवांस्ड सेलेक्टर्स। प्रीवियस वीडियो सेशन में हम एडवांस सेलेक्टर्स के इंट्रोडक्शन और डिसेंडेंट सेलेक्टर को कवर कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम चाइल्ड सेलेक्टर पर फोकस करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में डिस्कशन किया और उसके 3 एग्जांपल्स हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके समझे कि हम डिसेंडेंट सेलेक्टर को CSS में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के आज के टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि दूसरे यूज़र्स को भी इस फ्री ट्यूटोरियल का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं चाइल्ड सेलेक्टर का। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा वीडियो था, कि हमने डिसेंडेंट सेलेक्टर की पावर देखी कि किस तरह से वो यूज़ होता है, क्योंकि ये चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन या उसके आगे के लेवल वाले जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उन सबको फोकस करता है या उन सबको टारगेट करता है। तो अगर हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है तो हम डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट भी होती है कि हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के डायरेक्ट चिल्ड्रन को ही फोकस करना है, बाकियों को फोकस नहीं करना। कहने का मतलब ये कि हमें ग्रैंड चिल्ड्रंस को फोकस नहीं करना है। तो इसके लिए हमें CSS के अंदर भी सेलेक्टर अवेलेबल करवाया गया है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आज के सेशन में हम इसी को देखने वाले हैं, एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हमने चाइल्ड सेलेक्टर का एग्जांपल लिया है। टाइटल के अंदर हम थोड़ा सा गलत लिख गए हैं, क्लास सेलेक्टर की बजाय इसको चाइल्ड सेलेक्टर यूज़ करना है। और इसमें हमने स्टाइल बनाया है, डिव में हाईलाइट किया है। ये हमारा प्रीवियस एग्जांपल है जो हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किया था डिसेंडेंट सेलेक्टर का। तो उसमें हमने क्लास का यूज़ करके लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 को यूज़ किया था और हमें इस तरह का आउटपुट मिला था। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जिस बात पर फोकस करने वाले हैं वो है कि हमें चाइल्ड सेलेक्टर को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, पेरेंट और फिर उसके बाद जो हमारा पेरेंट है उस एलिमेंट का नाम देना है और फिर ग्रेटर देन सिंबल लगाना है और आगे चाइल्ड एलिमेंट जो हम यूज़ करने वाले हैं उसको हमें इसके अंदर स्पेसिफाई करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जो डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं उन पर टारगेट किया जा सकता है। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने वही सेम चाइल्ड सेलेक्टर को यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिव हाईलाइट जो था उसमें हमने ग्रेटर देन बी लगा दिया है और बाकी इसमें कलर प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई किया है रेड कलर में। और यहाँ पे डिव के लिए हमने क्लास स्पेसिफाई की है हाईलाइट के नाम से और इसमें लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2। तो प्रीवियस आउटपुट के अंदर आपने देखा कि लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 तीनों पे इस क्लास का इफ़ेक्ट पड़ रहा था। लेकिन अब इसमें क्या है कि डायरेक्ट जो डिव का हाईलाइट क्लास है उसके अंदर जो डायरेक्टली बी आ रहा है उसी पर फोकस करें, अगले डिव के बी पर और उसके तीसरे लेवल के बी पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो आउटपुट में आप देखोगे कि सिर्फ लेवल 0 का HTML5 जो है वो रेड कलर में आ रहा है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली डिव को यूज़ कर रहे हैं हम, डिव डॉट हाईलाइट हाईलाइट, और इसमें हमने ग्रेटर देन यूज़ किया और बोल्ड टैग को हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये स्टाइल हमें नहीं लगाना है, इसको डिलीट कर दिया। और उसके बाद हमने क्या दिया, कलर प्रॉपर्टी यूज़ कर दी रेड कलर की और इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। और बॉडी के अंदर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, डिव को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डिव और क्लास को यूज़ किया और इसमें हम दे रहे हैं सिंपली हाईलाइट हाईलाइट, और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं बोल्ड टैग, और इस बोल्ड टैग में हमने लिखा लेवल 0 लेवल 0 और यहाँ पे हमने दिया HTML5
और फिर उसके बाद नेक्स्ट डिव के अंदर हम यहाँ पे एक और डिव यूज़ कर रहे हैं, और इस डिव के अंदर हमने नेक्स्ट जो बोल्ड एलिमेंट लिखा है उसमें हम जो स्पेसिफाई कर रहे हैं उसमें हमने सिंपली लेवल वन लिख देना है। तो यहाँ पे हमने लिखा लेवल वन और इसमें हम दे रहे हैं CSS3। और फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक और डिव शुरू किया, थर्ड लेवल पे चले गए, और इस डिव के अंदर भी हमने क्या किया, एक बोल्ड को यूज़ किया और यहाँ पे हम दे रहे हैं लेवल टू और यहाँ पे हम दे रहे हैं जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा कोड था जो हमने प्रीवियस वीडियो सेशन के लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था डिसेंडेंट सेलेक्टर के। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ये ग्रेटर देन सिंबल उसमें नहीं था, बाकी सब कुछ लगभग वही है। तो हम इसको रन करेंगे, हमारा 9 नंबर एग्जांपल है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं और ब्राउज़र के अंदर ये हमारा आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा 500% जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लेवल 0 का कलर चेंज हुआ है, लेवल 1 और लेवल 2 का चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे कोड के अकॉर्डिंग जो डिव फर्स्ट लेवल पे जो डिव है उसमें हमने क्लास हाईलाइट को स्पेसिफाई किया है और इसे हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इसे सिर्फ इस पर्टिकुलर डिव के हाईलाइट में बोल्ड जो एलिमेंट आ रहा है उसी के कलर को चेंज करना है, बाकी सब कुछ इग्नोर करना है। तो बाकी के जो अलग लेवल पे जो डिव टैग लगे हुए आ रहे हैं और बोल्ड जो एलिमेंट लगा हुआ आ रहा है वो उस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन में बात करें, तो जैसा कि आपने अभी नोटिस कर लिया होगा कि हम डायरेक्ट चिल्ड्रन जो कि उस पर्टिकुलर पेरेंट के हैं उनके ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे पर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है तो हम क्या कर सकते हैं, डिसेंडेंट और चाइल्ड टाइप दोनों को मिक्स तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से करेंगे ये हम इस एग्ज़ाम्पल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने हाईलाइट में एक UL टैग यूज़ किया है और इस UL के अंदर जो LI है और उस LI के अंदर जो एंकर टैग लगा हुआ है उसका कलर हमें रेड करना है। तो बाकी और भी होंगे लेकिन किस लेवल पे कैसे काम करेगा उसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। डायरेक्ट इस UL के LI पे जो एंकर टैग है उसका कलर हमें जो है वो चेंज करना है। तो इसको हम स्पेसिफाई करते हैं, यूज़ करते हैं और इसका आउटपुट हमें इस तरह से मिलने वाला है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे काम करेगा और किस तरह से इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस हमें करने हैं। तो यहाँ पे हम div.highlight का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमने सिंपली यूज़ किया UL और फिर इस UL के अंदर LI का यूज़ किया और इस LI के अंदर हमें एंकर टैग पे ये यूज़ करना है। तो ये स्टाइल मैं हटा देता हूँ क्योंकि ग्रेटर देन सिंबल लगते ही वो टैग को क्लोज कर देता है। और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, डिव में हमने हाईलाइट क्लास को यूज़ किया है और उसमें हमने सिंपली ये थोड़ा सा चेंज करना है हमें, इसको हम हटा देते हैं, बाकी डिव टैग हम यहाँ से हटा देते हैं। इस डिव टैग के अंदर हमें सिंपली क्या करना है, UL टैग हमने इसके अंदर लगाया, UL टैग, और इस UL में हम LI का यूज़ कर रहे हैं, LI यूज़ किया और इस LI के अंदर हम एंकर टैग यूज़ कर रहे हैं href=#, ये हमने इसमें लगाया और इस पे हमने एक नाम दिया लिस्ट लिंक नंबर 1, ये हमारा पहला एलिमेंट है और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हमने सिंपली क्या किया, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक और UL शुरू कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे हमने एक और UL शुरू किया, UL सॉरी इसको हटा देते हैं, UL हमने एक और शुरू किया
और इस यूएल के अंदर हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा लिंक नंबर 2 है और ये हमारा 2.1 है। तो ये 2.1 है और फिर उसके बाद यहाँ हम इसको क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसमें जो हम LI लेंगे, यहाँ पे हमने पेस्ट किया और ये हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। तो ये हमारा लिंक नंबर आ गया 3। तो यहाँ पे हम 3 को यूज़ कर रहे हैं और लास्ट में UL बंद हुआ, div बंद हुआ, बॉडी क्लोज हुई। तो इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब हम इसमें अपने फाइल को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो बाकी लेवल पे चेंज हुआ है, यानी कि जो नेक्स्ट लेवल पे है डायरेक्ट div के अंदर जो UL है उसका जो LI है और उसमें जो एंकर है उसका कलर रेड होना चाहिए। तो अगर उसके अंदर कोई और UL है और उसमें LI और उसमें एंकर है, यानी वो इस पे वर्क नहीं करेगा, 2.1 पे इस पे वो काम नहीं करेगा, तो उसका कलर उसने रेड नहीं किया, ये ब्लू कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक का होता है वही उसमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल 3 में समझा कि किस तरह से हम डिसेंडेंट और चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं अपने CSS कोड के अंदर और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको आज के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।